Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for July the 28th. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जो आपके वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए ये सेशंस में रेगुलरली रोज सुबह 9 बजे लेके आता हूँ. प्लीज एंश्योर दैट यू पीपल रेगुलरली वॉच दीज सेशंस. इन सेशंस के PDF आपको मिल जाएंगे इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन और यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन द ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप एंड डाउनलोड द PDF फॉर दीज सेशंस. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. कल मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट DESERT एंड DESSERT डेजर्ट. कई लोगों ने कमेंट किया एंड यू पीपल वर राइट. डेजर्ट विद अ सिंगल एस के दो मीनिंग हो सकते हैं. एक तो जब नाउन के तरह यूज करोगे डेजर्ट, वो होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजुअली कवर्ड विद सैंड दैट इज हॉट एंड हैज वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स. बहुत कम पानी और बहुत ही कम आपके प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं. मेजरली लार्ज एरिया जो है वो रेत में कवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान. दैट इज अ डेजर्ट. विस्तृत रेतीला भूखंड जहां जल एवं पौधे लगभग नगण्य होते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं हम इसे डेजर्ट को विद अ सिंगल एस. सेंटेंस है द अंटार्कटिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिक डेजर्ट जो है दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट इज द बिगेस्ट डेजर्ट. रेगिस्तान सबसे बड़ा वही है. नाउ सिंगल एस वाले का और एक मतलब हो सकता है विच इज टू लीव समबडी समथिंग यूजुअली फॉर एवर. किसी व्यक्ति को वस्तु को छोड़ देना हमेशा के लिए, दैट इज ऑल्सो डेजर्ट विद अ सिंगल एस. किसी को प्राय सदा के लिए छोड़ देना, दैट इज डेजर्ट DESERT. सेंटेंस है द मैन डेजर्टेड हिज फैमिली एंड वेंट टू द हिमालयस टू लिव एन एसेटिक लाइफ. एन होना चाहिए था. फैमिली ने अपने वो व्यक्ति ने अपने फैमिली को छोड़ दिया पूरी तरीके से हमेशा के लिए और हिमालयस पे चल गया एक बेसिक सिंपल सा लाइफ, एक साधु संत वाला लाइफ जीने के लिए. दैट्स एन एसेटिक लाइफ. तो डेजर्ट के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक नाउन के तरह एक वर्ब के तरह. और दूसरा था डेजर्ट विद अ डबल एस. ये तो आपने सुना होगा, ये एक नाउन ही होता है विच मीन्स समथिंग स्वीट दैट इज ईटन आफ्टर द मेन पार्ट ऑफ अ मील. जनरली खाने के बाद कोई मिठाई या आइसक्रीम जो मीठा आप खाते हो, दैट इज एक्चुअली अ डेजर्ट विद अ डबल एस. भोजन के अंत में परोसा जाने वाला मधुर व्यंजन, मीठा व्यंजन, दैट इज मधुर. सेंटेंस है शी हेजिटेटेड फॉर अ सेकेंड बिफोर सर्विंग द डेजर्ट टू हर फैट हस्बैंड. अपने मोटे पति को डेजर्ट देने के पहले जरा सा हिचकिचाई कि क्या देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वह ऑलरेडी मोटा था. डेजर्ट में कैलोरीज ज्यादा होते हैं तो और भी मोटापे का वजह बन सकता है. दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज अबहोरेंट. अबहोरेंट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स दैट मेक्स यू फील हेट और डिस्गस्ट. जिसे देख के आपको घृणा आए, नफरत आए, दैट इज अबहोरेंट. हिंदी में घृणा या जुगुप्सा को उत्पन्न करने वाला, घृणास्पद, जिसे देख के आप नफरत करने योग्य, जिसे कहते हैं दैट इज अबहोरेंट. नफरत करने योग्य उसे हम कहते हैं अबहोरेंट, हेटफुल. सेंटेंस था द अबहोरेंट वायलेंस. अगेन ये आर्टिकल था आपके मणिपुर वायलेंस के बारे में जिसमें ऑपोजिशन डिस्कशन चाह रही थी, रूलिंग पार्टी के साथ पार्लियामेंट में. बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि ऑपोजिशन चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी आके उस डिस्कशन का शुरुआत करें, पहले वो अपना स्टेटमेंट रखें, उसके बाद वो डिस्कशन चालू होगा. बट नरेंद्र मोदी वहां से नदारद थे, वो नहीं आ रहे थे. तो उसके बारे में आर्टिकल था. तो यहाँ पे लिखा है द अबहोरेंट वायलेंस. अबहोरेंट मतलब नफरत करने योग्य, घृणास्पद. द अबहोरेंट वायलेंस इंक्लूडिंग रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन इन द स्टेट should have brought the government and the opposition together. Instead, they are unable to even debate on the issue. इतना नफरत करने योग्य, इतना ही डेडली वायलेंस जो हो रहा है, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस बार बार देखा जा रहा है ट्राइबल वुमेन के खिलाफ, इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को एक हो जाना चाहिए था. बट यहाँ तो डिबेट तक नहीं हो पा रहा है आपस में.
अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को एक हो जाना चाहिए था इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ तो सॉल्व करना तो दूर, यहाँ तो डिबेट तक नहीं हो पा रहा है. दैट्स द मीनिंग. अबहॉरेंट के सिनोनिम हो सकते हैं डिटेस्टेबल, लोथसम, अबॉमिनेबल, डेस्पिकेबल. डिटेस्टेबल, लोथसम, अबॉमिनेबल, डेस्पिकेबल, ये सारे सिनोनिम्स हैं जिसका मतलब होता है नफरत करने योग्य. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इनोक्यूअस, डिजायरेबल, प्लेजेंट और अट्रैक्टिव. ये सारे एंटोनिम्स हैं. इनोक्यूअस, डिजायरेबल, प्लेजेंट, अट्रैक्टिव कुड बी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एबहॉरेंट. अगला वर्ड जो आज का है दैट इज कोऑपरेशन. कोऑपरेशन एक सिंपल सा वर्ड है, कई बार आपने सुना होगा. कोऑपरेशन इज अ नाउन विच मीन्स वर्किंग टूगेदर विद समबडी एल्स टू अचीव समथिंग. साथ में मिलजुल के काम करना किसी चीज को अचीव करने के लिए, दैट्स कोऑपरेशन. हिंदी में किसी से सहयोग या सहकारिता, किसी से सहयोग लेना या सहकारिता किसी से लेना, दैट इज कोऑपरेशन. नाउ सेंटेंस है होम मिनिस्टर अमित शाह सेड द गवर्नमेंट वाज विलिंग टू डिस्कस द इश्यू एंड सॉट द कोऑपरेशन ऑफ द ऑपोजिशन विच सॉ द आउटरीच एज एन अटेम्प्ट टू शील्ड मिस्टर मोदी. ना होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि गवर्नमेंट तो डिस्कशन के लिए तैयार है, ओके, एंड वो चाहती थी ऑपोजिशन से थोड़ा बहुत कोऑपरेशन मिले, सहयोग मिले इस इश्यू को डिस्कस करने और सॉल्व करने के लिए, ओके. ये अमित शाह ने बोला आके. तो उसको ऑपोजिशन ऐसे देख रही है कि वह मिस्टर मोदी को एक्चुअली में एक ढाल के तरह वह सामने आए, मिस्टर मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए अमित शाह सामने आए हैं मैटर को डिस्कस करने के लिए. यह ऑपोजिशन लांछन लगा रही है, दोष लगा रही है. कोऑपरेशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, एफिलिएशन, एसोसिएशन. दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कोऑपरेशन. पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, एफिलिएशन, एसोसिएशन. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन, सेपरेशन और ब्रेकअप. डिसोसिएशन बोलो, डेजोल्यूशन, सेपरेशन, ब्रेकअप, या एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड कोऑपरेशन. सिंपल. अगला तीसरा वर्ड जो आज का है दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, जिसे आशावादी भी कहते हैं. दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव विच इज ऑप्टिमिस्टिक. इट इज एन एडजेक्टिव. एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन और समथिंग टू बी सक्सेसफुल, शोइंग दिस फीलिंग. यह उम्मीद करना कि कोई अच्छी चीज होगी, एक आशावादी सोच रखना, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक. हिंदी में स्थितियों की अनुकूलता या प्रयत्नों में सफलता की आशा करने वाला, आशापूर्ण, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक. सेंटेंस था द ऑपोजिशन हैज नाउ मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज अ वे ऑफ फोर्सिंग मिस्टर मोदी टू स्पीक ऑन द इश्यू. ऑपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो मजबूर कर सके मिस्टर मोदी को इस मणिपुर वाले इश्यू में आके पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, कुछ कहें. लेकिन कंसिडरिंग हाउ ही हैज रेस्पॉन्डेड अंटिल नाउ, अगर उस चीज को कंसिडर किया जाए कि अब तक वो कैसे रेस्पॉन्ड किए हैं मणिपुर इश्यू में हमारे प्रधानमंत्री जी, दैट माइट बी अ बिट टू ऑप्टिमिस्टिक. तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा आशावादी सोच रख रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ला दिया गया तो शायद प्रधानमंत्री आके पार्लियामेंट में कुछ बोलेंगे. तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा आशावादी सोच रख रहा है, शायद वैसा ना हो, थोड़ा सा ज्यादा ही आशावादी हो गए. दैट्स द मीनिंग, ओके, ऑपोजिशन के बारे में बोला जा रहा है. ऑप्टिमिस्टिक के सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉमिसिंग, होपफुल, अपबीट एंड प्रोपिशियस. प्रॉमिसिंग, होप, अपबीट, होपफुल, अपबीट एंड प्रोपिशियस, ये सारे सिनोनिम्स हैं फॉर द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पेसिमिस्टिक, अनलाइकली, डेस्परेट और ग्लूमी. जिस चीज से बहुत ज्यादा आशा नहीं है, निराशावादी सोच जिसे कहते हैं, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. ओके, सो दैट इज द एंटोनिम्स. दोज आर द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड्स पेसिमिस्टिक, अनलाइकली, डेस्परेट, ग्लूमी. ये सारे एंटोनिम्स हैं ऑप्टिमिस्टिक के वर्ड. निराशा मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद न रखना. ओके, अगला वर्ड जो आज का है दैट इज ऑब्फस्केशन, जो कि एक नाउन है, विच मीन्स टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इंटेंशनली. किसी चीज को समझने, अगले
के समझने से बहुत ज्यादा ऐसा पेचीदा कर देना कि अगला उसे समझ न सके, दैट इज ऑब्फस्केशन। हिंदी में अस्पष्टता, गूढ़ता, उलझन या भ्रम कह सकते हो, दैट इज ऑब्फस्केशन। सेंटेंस था, द डिस्कशन ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इज लाइकली टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्फस्केशन ऑफ द इश्यू बाय द बीजेपी एंड द प्रेसिडेंट डिमांड बाय द सॉरी एंड द परसिस्टेंट डिमांड बाय द ऑपोजिशन। कह रहा है जो डिस्कशन नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर लोकसभा में आया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, इज लाइकली टू बी अ कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यू होगा फॉर द ऑब्फस्केशन ऑन द इश्यू। इश्यू पे ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तो इश्यू पे तो कोई बात नहीं होगा। जो मणिपुर वाले इश्यू है उसमें चीज़ें अस्पष्ट ही रहेंगी, इसके बावजूद कि ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो डिमांड करते रहे, लेकिन बीजेपी का भी स्टांस वैसे ही रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारे इश्यू पे पर्दा डलते रहेगा, लोग अस्पष्ट रहेंगे, उलझन में रहेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, सिनोनिम्स ऑफ ऑब्फस्केशन आर बीफडलमेंट, बिम्यूजमेंट, बिविल्डरमेंट, ये सारे सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एंटनिम्स हो सकते हैं क्लैरिफिकेशन, ल्यूसिडिटी, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे एंटनिम्स हैं फॉर द वर्ड ऑब्फस्केशन। पांचवा वर्ड जो आज का है, दैट इज सीज, SEIZE। एक होता है CEASE, ये सीज का मतलब होता है स्टॉप, याद रखना, रुक जाना। बट SEIZE इज सीज का मतलब, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टेक होल्ड, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली, टू ग्रैब समथिंग, किसी को छीन लेना किसी से, दैट इज सीज, SEIZE। हिंदी में किसी वस्तु को एकाएक और कसकर पकड़ लेना, छीन लेना, झपट लेना, दैट इज सीज। नाउ सेंटेंस था, इट मस्ट सीज वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट्स फॉर अ डिस्कशन। नाउ ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी आके स्टेटमेंट देंगे मणिपुर इश्यू में, तभी डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो कि नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे। तो इस आर्टिकल में ये लिखा था कि इट मस्ट सीज, ऑपोजिशन को इस मौके पर, भले ही प्रधानमंत्री न आ रहे हों, इस मौके को उनको ग्रैब कर लेना चाहिए, झपट लेना चाहिए, वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट्स फॉर अ डिस्कशन, जो भी अपॉर्चुनिटी पार्लियामेंट में मिल रहा है डिस्कशन के लिए, उसे इस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए। एंड टेक द प्रोटेस्ट टू पब्लिक प्लेसेस आउटसाइड, और ये विरोध प्रदर्शन को पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना चाहिए ऑपोजिशन को। द बीजेपी रेस्पॉन्स टू द हॉरर इन मणिपुर हैज बीन टू इक्वेट इट विद क्राइम्स इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, विच इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। नाउ बीजेपी ज्यादातर क्या कर रही है कि मणिपुर में जो दो ढाई ऑलमोस्ट तीन महीने से जो वायलेंस हो रहा है, उसकी बराबरी कर रही है कांग्रेस रूल्ड स्टेट, जो कि छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह से, कि वहां पे कोई क्राइम होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है तो ऑपोजिशन पूरी जागी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है उसकी बराबरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मणिपुर में वाइड स्प्रेड वायलेंस, आगजनी, रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वगैरह हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, कांग्रेस रूल स्टेट्स में क्या है, वन ऑफ इंसिडेंट्स, एकाक इंसिडेंट जो घटना क्राइम होती हैं, उसकी बराबरी वो मणिपुर वायलेंस के साथ कर रहे हैं, जो कि गलत है, वो इक्वेट नहीं कर सकते। और वैसे क्राइम्स तो देखा जाए तो हर स्टेट में ऑफ एंड ऑन होता ही रहता है, उसको हम मणिपुर वायलेंस के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया है, उसको उसकी बराबरी नहीं किया जा सकता। और ये जो बीजेपी ये दलील दे रही है कि कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी हो रहा है, उस चीज़ को माना नहीं जा सकता, इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन, दैट्स द मीनिंग। सीज के सिनोनिम हैं ग्रैब, स्नैच, नैब, ये सारे सिनोनिम्स हैं सीज के। एंटनिम्स हैं रिलीज, लिबरेट, लूजन, आजाद कर देना, फ्री कर देना, ये सीज का एंटनिम हो जाएगा। सो दीज वर द वर्ड्स फॉर द वोकैब शो, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब शो, आज के सेशन के वर्ड्स थे। नाउ आज का जो डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन हैंग्ड एंड हंग, HANGED हैंग्ड और HUNG हंग। मैंने ऑलरेडी वन ऑफ द सेशंस में पहले एक्सप्लेन किया है मीनिंग, आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगले वोकैब सेशन में ये डिस्कस होगा। ओके, कल सैटरडे और संडे आपका वोकैब शो सेशन नहीं होगा, इट विल अगेन रिज्यूम फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, PDFs आपको इस वाले ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF एग्जाम्स, हमारे पास कई सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, उसमें एडिशनल डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज दिस कोड जोश
टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट एज वेल ऑन द कोर्सेस। कूपन कोड को यूज़ करिए। इसके अलावा ये सारे फैकल्टीज हैं, सभी फैकल्टीज के सेशंस रेगुलरली अलग अलग समय पर आते हैं, अटेंड करते रहिएगा। मेरा सुबह 9 बजे आपका वो कैब सेशन आता है और शाम में 6 बजे प्रैक्टिस सेशन CDS आपका CAPF के लिए लेके आता हूँ। सो दैट वॉज इट इन दिस सेशन, होप यू एन्जॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले सेशन में, ज्वाइन द ग्रुप फॉर द PDF। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।